हेलो दोस्तों, डिफेंस वेव में आपका स्वागत है। भारत ने सीमा पर चीन की आक्रामकता को ध्यान में रखकर अपनी महत्वपूर्ण सामरिक परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक और स्वदेशी मिसाइल सैंट का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण रूफ टॉप लॉन्चर से ओडिशा तट पर किया गया। सैंट का पूरा नाम स्टैंड ऑफ एंटी टैंक है। यह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है, तथा नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक एंटी टैंक मिसाइल है जो हेलिना अर्थात हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड नोज माउंटेड इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया गया है जिसके कारण इसकी मारक क्षमता नाग मिसाइल की मारक क्षमता से अधिक है, जो कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। इसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों की क्षमता है एवं सैंट चौथे जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जो अपने लक्ष्य को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। भारतीय वायुसेना में शामिल करने से पहले इसका परीक्षण लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से भी किया जाएगा। साथ ही हाई टेम्परेचर में मिसाइल के वर्किंग को टेस्ट करने के लिए इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण में भी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण के समय स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल यानी सैंट अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया। इसके साथ ही भारत ने 46 दिनों में 13 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है। ध्यान दीजिए, वीडियो के नीचे इसी तरह सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे एक बार टच कर दीजिए। टच करने के बाद बगल में एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी एक बार टच कर दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। खुश रहिए।